देखिए, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हम कुंडली देखते हैं, हम मूल्यांक और भाग्यांक निकालते हैं। और मूल्यांक और भाग्यांक को अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं तो वहां पे नहीं लिखा जाता, उसमें 1900 शताब्दी भी नहीं लिखी जाती। अब हमने देखा एक आता है मूल्यांक 5। मूल्यांक 5 जिनका होता है, उनके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ और कुंडली की पूरी डिटेल बताता हूँ। जैसे 5, 14, 23 को किसी का जन्म होता है तो उनका मूल्यांक 5 आता है। और 23 तारीख के अंदर 2 चंद्रमा और 3 गुरु, गुरु और चंद्रमा जब जुड़ जाते हैं तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है। शुभ दिन बुधवार होता है, रविवार होता है। शुभ रंग हरा मूंगिया रंग होता है, अशुभ रंग सफेद पीला होता है। मित्र अंक 1, 3, 5 होते हैं, शत्रु अंक 2 होते हैं, सम अंक 8 और 6 होता है। और इनका जो शुभ वर्ष होते हैं 2021, 2030, 2039, 2048, 2057, 2066, 2075, ये इनके शुभ दिन होती है। इनके लिए अनुकूल देवता होता है लक्ष्मी नारायण, शुभ रत्न होता है पन्ना। ये हमने इन ऐसे हमने आपको मूल्यांक के बारे में बताया। अब हम इनके आई 5 और 7, जिसका 5 और 7 आता है मूल्यांक और भागांक, बुध के साथ मिलकर 5 नंबर क्या है बुध और 7 नंबर क्या है केतु। बुध क्या है राजकुमार और केतु क्या है छाया ग्रह। बुध का साथ मिला केतु का, जो एक ठीक ठाक सा मेल है, लेकिन अपने आप में बहुत खराब मेल भी नहीं है। अगर यह धर्म क्षेत्र में जुड़ जाए, ओकड़ सेंट में वास्तु रेखा में जाए, तो बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। इस तरह के लोग अर्थात 5 व 7 के मेल वाले व्यक्ति यदि समाज कल्याण से जुड़ जाए तो भाग्य में काफी अच्छी वृद्धि होती है। अब 5 और 7 का मेल यदि समाज कल्याण से जुड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति बोलने में और केतु एक सेवा में विश्वास रखता है, इन्हें ठीक है भाग्य में काफी अच्छी वृद्धि हो सकती है। इन्हें सुस्ती बहुत अच्छी लगती है और यह गहरी सोच वाले होते हैं। लोग झूठ के प्रति बड़े दयावान होते हैं। इनकी समस्याओं को अपने तक ही रखें, फालतू तो खर्चे को पसंद नहीं करते। पहाड़ों की ओर शांति में जगह की ओर सैर करना पसंद करते हैं। इनकी अवचेतना मन बहुत एक्टिव रहता है। दूसरे के प्रश्न का उत्तर भी बहुत जल्दी दे देते हैं। जब ये अध्यात्मिकता में जाते हैं तो इन्हें अपने सगे संबंधियों की समस्याएं सुलझाने में मदद मिलती है। अगर देखिए, अगर किसी का मूल्यांक 5 और भाग्यांक 7 आता है तो ऐसे व्यक्ति को जो नाम रखना है उनके मित्र अंक का रखें, ठीक है। जैसे कि हम 1 नंबर पर रख सकते हैं। जब यह अध्यात्म आते हैं तो इन्हें अपने सगे संबंधियों की समस्या को सुलझाने में मदद मिलती है। नाम अंक ठीक है तो जीवन में आनंदित और शांत रहते हैं और अपनी नौकरी व व्यापार में उन्नति करते हैं। अगर नाम अंक ठीक नहीं है तो जीवन कठिनाई भरा होता है, हर जगह आपको असंतुष्ट महसूस करते हैं, बहुत धीमा कार्य करते हैं। जैसे लिखना, बोलना, धर्म, आध्यात्मिक, रसायन, ज्योतिष, कमीशन आदि के कार्य इनके लिए उपयुक्त होते हैं। आप समझ पा रहे हैं, ऐसे कार्य इनके लिए उपयुक्त होते हैं। और इनका उपाय इन्हें सूर्य में शुक्र का करना चाहिए, क्योंकि सूर्य क्या है 5 नंबर और 7 नंबर का केतु उसे ग्रस्त हो रहा है। तो अगर सूर्य में शुक्र का उपाय करेंगे तो इनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। सूर्य व शुक्र, अब इनके पास 4 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं। अब हम इन्हें हम 4 और 6 नंबर पे हम ज्यादा गौर ना करके देखिए लोशो ग्रेड में क्या सफलता मिलती है सीखने। आपने बिल्कुल बताया कि इनकी साउथ ईस्ट में कमी है, तो साउथ ईस्ट में कमी है और नॉर्थ वेस्ट में कमी है। अगर किसी के पास 4 नंबर नहीं होता, साउथ ईस्ट 4 नंबर मिस होने से लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रहता। पति पत्नी के सुख में कमी होती है, शयन सुख में कमी होती है, बैंक में धन इकट्ठा नहीं हो पाता, पति व पत्नी सुख में बाधाएं आती है, शोक श्रृंगार में कमी होती है, प्रजनन शक्ति मतलब बच्चों की पैदा करने की शुक्राणुओं की कमी पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, ऐसा व्यक्ति किराए के मकान पर रहता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति व्यापार नहीं कर पाता और मतलब हमेशा नौकरी करता है, इस तरह का रहता है। अगर नॉर्थ वेस्ट में कमी होती है तो माता से संबंध ठीक नहीं रहती, मानसिक परेशानी बनी रहती है, भारी खर्चों हुआ रहता है, तनाव रहता है, क्रोध का स्वभाव रहता है, गैर जिम्मेदार होते हैं, दोस्त और समर्थों की कमी रहती है, पति पत्नी के सुख में कमी रहती है, बैंक लोन पास नहीं होता, ईर्ष्या स्वभाव, झूठी शान दिखाने वाले। ये वेस्ट दिशा में भी हम कमी महसूस करते हैं क्योंकि 7 नंबर को हम जोड़ नहीं रहे।
90% तक इनके घर में इस चीज की संभावना आती है, इनके घर में वेस्ट में कोई ना कोई समस्या होगी, प्रॉब्लम, उस दीवार में फॉल्ट हो या कोई भी कमी हो, वास्तु के हिसाब से बोल रहा हूँ, डेट ओवर से हम बता सकते हैं कि इनके घर में वेस्ट की समस्या आनी चाहिए। नोस्ट वेस्ट देखिए, हम इसे वास्तु के अनुमान लगा के हमें कुंडली का एक्सप्रेशन करने में बड़ी आसानी मिल जाती है। थोड़ा सा वास्तु भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग पारंगत बनना चाहते हैं, अगर यहीं तक रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। पहले लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली में लॉस कम, सब मजे में थे, आज 8 में से 8 ही कमा रहे हैं, जब भी गुजारा नहीं हो पाता। इनका मतलब ये है जब ये ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो बहुत सारे दोषों की परिहार हो जाता था। जैसे किसी को शनि खराब है तो ताऊ की सेवा कर लेना चाहिए, किसी का चंद्रमा खराब है तो माँ की सेवा कर लेनी चाहिए, किसी पत्नी से प्रेम करे, सेवा करे पत्नी से प्रेम करे तो 6 नंबर शुक्र ठीक हो जाता है, किसी का कार्य खराब है तो पिता की सेवा करे, ऐसे ही छोटी छोटी रेमेडी है। तो इनके पास अपना घर नहीं होता, जैसे इनके पास अभी आपने देखा 4 5 6 नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के पास अपना घर नहीं है, ठीक है। इनके पास मेटल एलिमेंट की भी कमी है क्योंकि 7 और 6 मिसिंग है, इससे पुत्र संतान का योग कम है, और डबल 3 होने से डेली इनकम अच्छी होती है, ऐसे लोग जल्दी कमाने लगते हैं, डबल 8 है तो समझदार और कार्य कुशल होगा, किसी से भी अपना काम निकाल सकता है, ऐसे व्यक्ति में ईगो नहीं होती, मेहनत करने में विश्वास करता है और ईमानदार होता है और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार होता है। अब मैंने सारी बातें बताई, अब इसके अंदर मैं आपको कुछ युक्तियां बताता हूं। जैसे अगर हमने 5 और 7 लगा लिया तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल होगा, अगर डबल 3 है तो बृहस्पति ठीक है, बृहस्पति ठीक है तो फैमिली का मैटर ठीक होगा, भले ही 6 नंबर मिस है, डबल 8 है, अगर 3 और 8 होता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरे से काम निकाल के काम करने की शक्ति रखता है, जैसे ठेकेदार हो या एक कोई इंस्पेक्टर हो या कोई डायरेक्टर हो, मतलब कोई ऊंचे पद पर होगा तो दूसरे से काम निकाल सकता है। अगर हमारे लोशो ग्रिड के अंदर 3 बार 9 आता है तो व्यक्ति मंगली पाया जाएगा। 1999 में जितने बच्चे जन्मे होंगे आप देखना उनका रेशो मंगली का ज्यादा रहेगा।